इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमारे पास कई तरीके की ईएम वेव्स हैं। अगर हम उन सारी ईएम वेव्स को अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, एक लिस्ट बना लें कौन सी फ्रीक्वेंसी पहले और बाद में आती है, कौन सी वेवलेंथ पहली और बाद में आती है, उस कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है। जब आप लिस्ट बनाएंगे ईएम वेव की, ये किस्म की ईएम वेव्स हैं किसी ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में, उसमें से कुछ ईएम वेव आपको दिखाई भी देती हैं, जैसे विजिबल लाइट आपको दिखाई देती है, उस स्पेक्ट्रम के पार्ट को बोलते हैं, उस स्पेक्ट्रम को पार्ट को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रम है ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और जो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, हमारी आंख देख सकती है, उसे बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक, तो अब हम मेन पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम की डिस्कशन करते हैं कि स्पेक्ट्रम के पार्ट्स है क्या। तो ईएम वेव के स्पेक्ट्रम में पहला स्पेक्ट्रम का पार्ट है, पहले टाइप की ईएम वेव है गामा रेज। गामा रेज का न्यूक्लियर ओरिजिन है, अंडरलाइन कर लो, न्यूक्लियर ओरिजिन है। आप केमिस्ट्री में कभी नहीं सुनेंगे, आपका केमिस्ट्री का टीचर कहेगा कि आपने बम्बार्टमेंट की इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइट होकर नीचे गिर गया और गामा रेज निकल गई, कभी ऐसा होगा नहीं। गामा रेज हमेशा तब निकलेंगी जब आपका न्यूक्लियस टूट जाएगा, जब न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूटेगा और दो नए न्यूक्लियस निकलेंगे। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी होगी इसे बोलते। जब रेडियो एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियस टूटता है तो गामा रेज निकलती है, इसलिए इसका ओरिजिन क्या है, न्यूक्लियर ओरिजिन है, न्यूक्लियस से निकलेगा, सही है, ओरिजिन पूछ सकता है वो। इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ये यहाँ से ना याद करें, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। इसका फ्रीक्वेंसी की रेंज है, हाईली एनर्जेटिक है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकलता है। सेकेंड है एक्स रेज, एक्स रेज का अटोमिक ओरिजिन है। नॉर्मली आप एक्साइटेशन करते हैं केमिस्ट्री में ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइट होकर नीचे गिरते हैं तो विजिबल लाइट भी निकल सकती है, इन्फ्रा भी निकलती है, यूवी भी निकल सकती है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के पास जो शेल्स हैं, बहुत इनर शेल्स हैं, उनको निकालना आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को, अगर आप किसी तरीके से उनको एक्साइट करवा के नीचे गिरें, एक्सरे निकलता है। तो एक्सरे न्यूक्लियस में से नहीं निकलता, एक्सरे में रेडियो एक्टिविटी नहीं हो रही, एक्सरे के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, कौन सा ओरिजिन है इसका, अटोमिक ओरिजिन। अटोमिक मीन्स एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड आर प्रोड्यूस व्हेन टारगेट ऑफ एलिमेंट हैविंग हाई अटोमिक नंबर इज बम्बार्डेड बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करवाने हैं, बाहर के नहीं। तो एक्सरे की हाई पेनिट्रेशन पावर है, फ्रीक्वेंसी की रेंज है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट, यूवी। यूवी रेडिएशंस आर पार्ट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। ये रेज एक तो बाय नेचर सोलर जो सन दे रहा है उसका पार्ट है, उसमें होती हैं ये, लेकिन लैब के अंदर ये प्रोड्यूस की जा सकती हैं आर्क्स ऑफ मर्करी एंड आयरन। आर्क ऑफ मर्करी एंड आयरन आपने देखा होगा, वो वेल्डिंग मशीन वाला क्या करता है, ऐनक लगा लेता है ब्लैक कलर की और फिर वेल्डिंग करता है, तो उसके पास आर्क है, वो बिजली का आर्क है, लोहे के ऊपर वो लगाता है स्टिक के साथ, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, आँखों के लिए बहुत डेंजरस है, इसलिए वो ऐनक लगा के काम करता है, नहीं तो आँखें उसकी ख़राब हो जाएंगी। तो यानी कि आर्क का मतलब बिजली के आर्क होते हैं, तो बिजली के आर्क टच करते हो मरकरी और लोहे को, तो फिर बिजली के जो मरकरी एक और वो आर्क ले लो तो अल्ट्रा वायलेट रेज की चिंगारियाँ निकलती हैं, ये यूवी रेज निकलती हैं। दे कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई पासिंग डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन एंड ज़ीनॉन, ऐसा भी कर सकते हैं, होता होगा एक्सपेरिमेंट। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, विजिबल लाइट है तो बहुत कम पार्ट हम देख पाते हैं, उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसकी एटॉमिक एक्साइटेशन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन को, वो जो आखिरी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करके नीचे गिरो, लाइट निकलती है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, अटोमिक ओरिजिन है। इंफ्रारेड रेस, ये हीट कर लो, दीज आर हीट रेडिएशन, हीट HEAT, करेक्शन कर लो, दीज आर हीट रेडिएशन। एंड ऑल हॉट बॉडीज आर सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेज, कोई भी कोयला जला दो, गरम गरम बॉडी ले लो, सेक निकलता है, सेक नहीं है वो इंफ्रारेड रेज है। तो ऑटोमेटिकली ये नेचर का लॉ है, कोई भी गरम बॉडी आर सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, निकलती हैं। सोलर रेडिएशन तो होती हैं। एंड माइक्रोवेव कैसे निकलती हैं,
माइक्रोवेव्स के लिए हमने एसी के अंदर किया था एलसी ऑसिलेशंस, एनर्जी एल के पास सी के पास, एल के पास सी के पास। आप कहोगे एनर्जी घुमाने से वेव कैसे निकलती हैं? अब आप याद करो एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशन में चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर, और चार्ज की वैल्यू साइनोसाइडल चेंज होती थी कैपेसिटर में, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ समथिंग या साइन ऑफ समथिंग, याद करो पूरे डायग्राम थे। तो जब वो साइनोसाइडली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स में, अपने आप मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसाइडली क्रिएट हो जाएगा और ईएम वेव जनरेट कर सकता है। तो इसलिए एलसी ऑसिलेशन या ऑसिलेटिंग सर्किट इसका काम है। नेक्स्ट है रेडियो वेव भी ऑसिलेटिंग सर्किट से जनरेट होता है, एलसी ऑसिलेशन से रेडियो वेव भी जनरेट होती है।